भारतीय वायुसेना ने अंडमान में एयर टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का नाम क्रिस्टल मेज 2 है। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को मार सकती है। अंडमान और निकोबार में इंडियन एयरफोर्स ने जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उसे एयर से लॉन्च किया जाता है। इसे रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल की टेस्टिंग अंडमान के एक परीक्षण रेंज में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के जरिए किया गया। इंडियन एयरफोर्स अब मेक इन इंडिया के जरिए बड़ी संख्या में इजरायली मिसाइल को हासिल करने की योजना बना रही है। तो आइए जानते हैं कितना पावरफुल है क्रिस्टल मेज 2। जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल को एयर टू सरफेस मौजूद लक्ष्यों पर दागा जा सकता है। मिसाइल पहले ऊपर की ओर जाती है और फिर काफ़ी तेज़ गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। क्रिस्टल मेज 2 काफ़ी समय पहले इसराइल से भारतीय वायुसेना में शामिल की गई। क्रिस्टल मेज 1 से बिल्कुल अलग है। क्रिस्टल मेज 2 एक एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ रेंज वाली एयर टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। ये भारतीय वायुसेना द्वारा दुश्मनों को लंबी दूरी के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हाई वैल्यू वाले स्थिर और लगातार अपने प्लेस को चेंज करने वाले लक्ष्यों पर हमला करने के लिए बनाई गई है। क्रिस्टल मेज 2 दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है। ये मिसाइल गैर GPS एरिया में भी अपने लक्ष्य पर सटीकता से हमला कर सकती है। चीन में GPS काम नहीं करता है, ऐसे में क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल चीन के खिलाफ प्रभावी हमला कर सकती है। ये मिसाइल अपने लक्ष्य पर बेहद सटीकता के साथ अटैक कर सकती है। इसे वारहेड और एयर में ब्लास्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे मिसाइल के मार करने के क्षेत्र में इजाफा हो सकता है। इजरायली क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है। इस मिसाइल में उड़ान के दौरान लक्ष्य को बदला भी जा सकता है, यानी इसके डायरेक्शन को आप अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये मिसाइल हर मौसम में फायर की जा सकती है। इसे पुराने और नई जनरेशन के लड़ाकू विमान से आसानी से फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI, मिराज F1, चीता और सुखोई 24 पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा क्रिस्टल मेज मिसाइल को MiG-29, SU-27, 30, मिराज 2000 और टॉर्नेडो के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।